हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका अमन टेक्निकल ज्ञान पर। वेलकम टू अवर चैनल अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बनाई है वो DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाने वाली है दोस्तों, इस पर बनाई है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो फुली एनालिसिस वीडियो है, इसमें कोई अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया है कि इसकी मेरिट इतने जाने वाली है। दोस्तों, हमने कई लोगों से पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछा है कि आपके कितने नंबर हैं, और कुछ लोगों की हमने आंसर की भी देखी है, और उसको एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, देखते हैं आगे। जैसा कि हमको पता था, दिसंबर 2019 में DMRC ने कई बहाली निकाली थी, कई पोस्टों की वैकेंसी निकाली थी दोस्तों, जिसमें मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी थी और इलेक्ट्रिशियन और फिटर की भी थी। दोस्तों, हमें पता है फिटर और इलेक्ट्रिशियन का लगभग 10 से 15 दिन पहले रिजल्ट आ चुका है, बट मेंटेनर DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। तो उससे पहले हम एक एनालिसिस करने वाले हैं, और उसके बाद ही देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है दोस्तों। 19 फरवरी 2020 को DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एग्ज़ाम हुआ था, और लगभग 8 से 10 दिन बाद इसकी आंसर की रिलीज़ हो गई थी। दोस्तों, ये फुल्ली एनालिसिस वीडियो है, इसमें हमने कई लोगों से पर्सनली मैसेज किया है, तो आपको हम दिखाते हैं कि दोस्तों किन लोगों ने कितने मार्क्स बताए हैं। हमने लगभग 60 से 70 लोगों से पर्सनली पूछा है, बट यहाँ कुछ ही मेंशन किया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, इसकी वजह से हमने दोस्तों सभी को यहाँ मेंशन नहीं किया है। दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अनरिजर्व में 86 वैकेंसी थी, और उसमें जो CVT में जो बच्चे बैठे थे, कैंडिडेट्स बैठे थे, वो 5036 थे। OBC में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसकी वजह से OBC में बैठे तो थे, बट जो अप्लाइड किया था उन्होंने वो अनरिजर्व कैटेगरी से किया था, और सेम कंडीशन SC वालों की थी। इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन जो है, यानी कि EWS वाले हैं, इसमें 14 वैकेंसी थी, और जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो 208, मात्र 208। उसके बाद जो ST है, आधे से ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू अनरिजर्व, 44 वैकेंसी हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट CVT, यानी कि जो CVT में बैठे हैं, वो मात्र 662 बच्चे बैठे हैं दोस्तों। तो टोटल जो वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, वो 144 थी, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन CVT, यानी कि जो एग्ज़ाम दिया था, वो 5906 में दिया था। दोस्तों, ये फुली एनालिसिस वीडियो है, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किन कैंडिडेट्स ने कितने अपने नंबर बताए हैं। दोस्तों, देखिए, देखते हैं। दोस्तों, पहला ये इन लोगों से मैंने एक एक करके पूछा है कि आपके कितने नंबर हैं दोस्त DMRC में, उसके बाद ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, देखिए, यहाँ पर इनके 56 नंबर हैं EWS से। इसके बाद में ये बता रहे हैं इनके 43 क्वेश्चन हैं, यानी कि इन्होंने 43 नंबर का अपना एग्ज़ाम किया है। और देखिए, 60+ वाले भी देखना दोस्तों, 50+ वाले भी देखना, और 40+ वाले भी देखना। इसी के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6000 में से कितने लोग जो हैं वो 60+ होंगे और 50+ होंगे। दोस्तों, यहाँ पर 62 नंबर हैं। इसके बाद जो ये हैं, ये बता रहे हैं इनके 63 नंबर हैं दोस्तों। उसके बाद ये बता रहे हैं 42 नंबर हैं दोस्तों। उसके बाद ये बता रहे हैं 59 नंबर हैं, एंड इन ये बता रहे हैं 50 नंबर हैं, एंड ये बता रहे हैं 40 नंबर हैं, एंड ये बता रहे हैं 42 नंबर। उसके बाद ये बता रहे हैं 44 नंबर दोस्तों। उसके बाद हमने पूछा है, ये बता रहे हैं 58, और उसके बाद ये पूछा है 60, और उसके बाद 27 ST दोस्तों, 46, और इनका 57। उसके बाद ये बता रहे हैं 50 हैं इनके। तो दोस्तों, ये तो बे कॉन्टैक्ट्स हैं दोस्तों, जिनको हमने पर्सनली मैसेज करके पूछा है। उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनसे मैंने नहीं पूछा है, जो कि इनमें मेंशन नहीं किया है दोस्तों, उनको मुझे पहले से ही पता है कि उनके कितने नंबर हैं। दोस्तों, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं लगभग 6 से 7, उनके 60+ नंबर हैं, 66 हैं, 62 हैं, इस तरीके से हैं। कुछ के 50+ भी हैं, 55 हैं, कुछ के 42 भी हैं, कुछ के 45 भी हैं। दोस्तों, क्या है कि हमने 60 से 70 लोगों से पर्सनली कॉन्टैक्ट में पूछा है,
बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। इस हिसाब से हम 6000 से तो इंट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके हिसाब से इतने लोगों में इतने लोगों के 60+ हैं, इतने लोगों के 50+ हैं और इतने लोगों के 40+ हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो 6000 कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने लोगों के 60+ होंगे दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन करने के लिए, कंपटीशन में दोस्तों अगर 6000 बंदे बैठे हैं तो उनमें बहुत कम पढ़ने वाले होते हैं, तो कंपटीशन के लिए मात्र 100 बच्चे ही काफ़ी हैं अगर 86 वैकेंसी हैं। क्योंकि अगर मान लो कि 60+ वाले बंदे 100 हैं और वैकेंसी 86 हैं, तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ जाने वाली है वो अनडिजर्व्ड की हो सकता है कि 60+ जाए। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो कट ऑफ है अनडिजर्व्ड की, दोस्तों जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो अनडिजर्व्ड वैकेंसी है 86, उसमें से 120 में से यदि आपके 59 और 68 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, और EWS में 51 से 59 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। आउट ऑफ 120 दोस्तों, 120 में से अगर आपके 51 से 59 हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद ST कैटेगरी में यदि आपके 38 से 45 हैं, क्योंकि हमें पता है ST कैटेगरी के सबसे कम जाने वाली है मेरिट, क्योंकि उसकी वैकेंसी 44 है लेकिन 662 बच्चों ने ओनली कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। इस तरीके से दोस्तों ST की सबसे कम जाने वाली है। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रीशियन की देखकर हम मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सिर्फ एक शिफ्ट में 19 फरवरी को ही एग्ज़ाम हुआ है, और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो पिछले से बहुत ही इजी लेवल का था दोस्तों, इसलिए जो मेरिट है वो हाई जाने वाली है पिछली बार के मुकाबले। दोस्तों पिछली बार सिर्फ 30 पर मेरिट गई थी अनरिजल्ट की, लेकिन इस बार जो मेरिट जाने वाली है वो हाई जाने वाली है, 59 से 68 आउट ऑफ 120 जाने वाली है दोस्तों। तो इलेक्ट्रीशियन को देखकर हम नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में बच्चे तो बहुत थे बट कंपटीशन करने वाले कम ही होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों, लेकिन भीड़ होने के साथ साथ वहाँ पर जो कंपटीशन करने वाले बच्चे हो वो तो ज़्यादा होते ही हैं, बट जो ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं घूमने के लिए, कुछ ऐसी करने के लिए, कुछ सैर करने के लिए, दोस्तों इस तरीके से हम भीड़ पर ना जाएं, हम उन बच्चों पर जाएंगे जो वास्तव में कंपटीशन करने वाले होते हैं और जिनकी वजह से कट ऑफ मार्क्स बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था DMRC मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बट एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यदि आपके 59 से 68 के बीच में है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और आपके अकॉर्डिंग मेरिट कितनी जाने वाली है ये भी दोस्तों हमें बताइए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।